यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सांगठनिक पुनर्गठन मिशन 2020 व पलामू प्रमंडल में होने वाले संघर्ष यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू जिला कार्य समिति की एक दिनी बैठक रविवार को सुदना स्थित मध्य विद्यालय में जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय समिति सदस्य संजीव कुमार तिवारी, जिला कार्य समिति के पदाधिकारी गण व सदस्य, तमाम प्रखंड इकाइयों के अध्यक्ष सचिव व महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा व छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पंचायत कमेटी तथा बूथ कमेटी का गठन कर लेने पर भी चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष सिन्हा ने इस टास्क को तय समय में पूरा करने का निर्देश तमाम प्रखंड अध्यक्ष व सचिवों को दिया। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में जारी संघर्ष यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत पलामू प्रमंडल से होगी। यात्रा का मकसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को गांव-गांव में जन जन तक पहुंचाना, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का पलामू प्रमंडल में आगमन लातेहार से प्रारंभ होगा। 29 नवंबर को पलामू आगमन पर श्री सोरेन का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद चैनपुर प्रखंड कार्यक्रम के उपरांत श्री सोरेन गढ़वा के लिए रवाना होंगे। जिलाध्यक्ष सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि 2020 का चुनाव झामुमो के नाम होगी। जिले के प्रत्येक प्रखंड में पूर्व मुख्यमंत्री की यात्रा से झामुमो के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और पार्टी का जनाधार भी मजबूत होगा। आज हम लोग सुदना मिडिल स्कूल में पूरे केंद्रीय समिति के सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड के अध्यक्ष सचिव, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, महिला मोर्चा का छात्र मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी लोग के साथ आज एक बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कमेटी का पूर्ण गठन करना, वहाँ पर पंचायत प्रखंड का पंचायत का गठन करना, बूथ कमेटी का गठन करना, ये मुख्य बैठक था। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हमारे मुख्य नेता है हेमंत सोरेन जी, जो अभी पूरे राज्य में चल रहा है उनका संघर्ष यात्रा, उसी कड़ी में तीसरी चरण की यात्रा पलामू प्रमंडल में है, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट होगी। पहला लातेहार में है, दूसरा गढ़वा में, तीसरा पलामू में। संभवतः पलामू में हमारा दो और तीन का होगा। और 29 तारीख को चूँकि गढ़वा जाने के क्रम में डाल्टनगंज पड़ती है, इसलिए उनका भी स्वागत हम लोग दिव्या खान, जो हमारा राजा मेदिनी राय जी का जो प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण करेंगे। और वहां से हम लोग पता हो सकता है कि हम लोग चैनपुर में एक कार्यक्रम कराए, उसके बाद उनको गढ़वा भेजें।